फूड्स। चलिए बॉइलिंग के बारे में रीड करते हैं। बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स होता है उबालना। बॉइलिंग और हीटिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन फूड। बॉयल किया हुआ पानी और गर्म किया हुआ पानी क्या कर देता है, हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मार देता है एंड दस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। और इस प्रकार गर्म किया हुआ पानी और उबला हुआ पानी हमारे सामान को ख़राब होने से बचाता है। You must have seen, आपने शायद देखा होगा, your mother boiling milk, जब आपकी मम्मा दूध गर्म कर रही होती हैं। It can be stored for a longer period of time, इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बॉयल करके रखते हैं तो एक लंबे अवधि तक वो एकत्रित होकर बनी रहती है, ख़राब नहीं होती है। अब देखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स होता है जमना। फ्रीजिंग द फूड डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द जर्म्स एंड डज नॉट अलाउ देयर ग्रोथ। जो भोजन जमता है वो क्या करता है, रोगाणुओं की क्रियाकलाप को कम कर देता है और उसके जो रोग बढ़ने रोगाणु बढ़ने लगते हैं उनको वो ग्रोथ को कम कर देता है। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, वो रोगाणु बढ़ नहीं पाते एंड दस इनक्रीजेज, इस प्रकार वो बढ़ते हैं द टाइम फॉर विच द फूड कैन रिमेन फ्रेश, और इससे जो हमारा भोजन है वो बहुत देर तक ताज़ा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बी कीप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व देम फॉर मैनी डेज। हम लोग सब्जियों को और फलों को किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। क्यों रखते हैं, उनको काफ़ी दिनों तक बचाने के लिए। कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग मीन्स होती है टीनबंदी और बॉटलिंग मीन्स बोतल में भरना। सम फूड आइटम्स लाइक जूसेज, चीज एंड रसगुल्लास कम इन कैंस। कुछ आपने देखा होगा, कुछ भोजन जैसे जूस है, चीज है और रसगुल्ला, ये किस में आते हैं, कैन। कैन मीन्स टीन में आते हैं। दे आर पुट इन द कैंस आफ्टर रिमूविंग द जर्म्स। ये उसमें क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि वो किससे दूर रहें, रिमूविंग, हट जाए रोगाणु फ्रॉम देम, उनमें से। सम फूड आइटम्स लाइक टोमेटो सॉस, लेमन एंड ऑरेंज सॉस आर पुट इन एयर टाइट बॉटल्स। जैसे कि जो टोमेटो सॉस आती है, नींबू आता है, ऑरेंज स्क्वैश आता है, संतरे का रस, ये सब किस में आते हैं, एयर टाइट बॉटल्स में, वायु रोधक डिब्बों में, जिसमें वायु का प्रवेश नहीं हो सकता। थैंक यू एवरीवन।